खुरी महू अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने काला बाजारी के लिए ले जा रहे 28 टन 289 क्विंटल पीडीएस का चावल ले जा रहे ट्रक को डोरंडा के पास पकड़ा। एसडीएम ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त ट्रक को पकड़कर जब्त किया है। बता दें कि 12 चक्कर ट्रक संख्या BR27E1929 पर लदा 289 क्विंटल जब्त चावल ट्रक सहित घोड़थंबा पुलिस की सुरक्षा में धनवार प्रखंड मुख्यालय स्थित गोदाम में खाली कराया गया। इसी क्रम में उक्त ट्रक चालक संतोष कुमार फरार होने में सफल रहा, वहीं उपचालक भाग पाने में असफल रहा। उपचालक ने बताया कि यह चावल को नवादा ले जाया जा रहा था। बता दें कि धनवार से चावल लोड कर निकलने के बाद एसडीएम ने उक्त ट्रक का पीछा किया। उस वक्त ट्रक धनवार से बगोदर की ओर जा रही थी। पीछा करने की भनक लगने पर ट्रक को कुछ दूर जाने के बाद वापस घुमा लिया गया और खोरी महुआ के रास्ते कोडरमा की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एसडीएम ने ट्रक को डोरंडा में पकड़ लिया। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जितवाहन उराव ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह चावल एफसीआई का चावल लग रहा है। वाहन से प्राप्त कागजात के अनुसार यह धनवार के चेतलाल इंटरप्राइजेस से लोड कर नवादा भेजा जा रहा। इसी दौरान एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहन को पकड़ा गया है, जिसमें विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। चित्र 12 GRD 123-124 पकड़ा गया चावल लदा ट्रक व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिशा निर्देश देते एसडीएम।